हेलो गाइस, नमस्ते। कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे हैं। और अभी बजा है सुबह के 10। मैंने अभी सुबह से कोई ब्लॉग नहीं बनाया, टिफिन टाफिन सब बना दिया, मार्केट वाले चले गए। और अभी मेरे चैनल पर आप नए हो तो पहले सब्सक्राइब करो और बेल आइकन का बटन दबाओ ताकि मेरा हर नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और तो गाइस, अभी हम करेंगे झाड़ू और पोछा। तो पहले हम गिद्धों को झाड़ रहे हैं, तो गिद्धों के लिए लेके आए हैं नए कवर। वो ऐसे कवर हैं कि गर्मी में भी अच्छे हैं और सर्दी में भी अच्छे हैं। और अगर बच्चे टॉयलेट भी कर देना तो वो गिद्धों के अंदर नहीं जाएगा, धूल से पानी गिर जाए या चाय गिर जाए, कुछ भी गिर जाए तो हमारे गिद्धे ख़राब नहीं होंगे। और इतने अच्छे कवर है कि आप देख सकते हो कितने अच्छे कवर है। वो मैंने कवर लगाए हैं गिद्धों के। और अभी मेरे हाथ का वो अभी घाव ठीक नहीं हुआ है, इसलिए मैंने हाथ में ये ग्लव्स पहने हैं ताकि पानी नहीं लगे और वो डस्ट है वो हाथ में अंदर नहीं जाए, इसलिए मैंने ग्लव्स पहन रखे हैं। देखो हमारे गिद्धे कितने अच्छे लग रहे हैं और सोने में भी आरामदायक है। ये मैंने इसलिए लगा के रखे हैं कि ताकि हमारे गिद्धे ख़राब नहीं हो। और अभी कुलवंत स्कूल से आया है और सब्ज़ी गिरा दी है शर्ट पे, वो मैं अभी साफ़ कर रही हूँ। वो दिखा रही हूँ मैं आपको, नींबू और बेकिंग सोडा, इसमें कितने भी हल्दी का दाग हो, गहरे से गहरा दाग हो, वो साफ़ हो सकता है, पानी नहीं लगाना है गाइस आपको। और अब मैं बना रही हूँ चाय, तो बच्चों के लिए करूँगी दूध गर्म, फिर मेरे लिए चाय बनाऊँगी। और अभी मैं आपको किचन के उपयोगी दो टिप्स बता रही हूँ, आप उसको फॉलो करना, बहुत ही अच्छे टिप्स है, तो आप ध्यान से सुनना। एक तो अभी आपको रात को कभी भी जूठे बर्तन नहीं छोड़ने चाहिए लेडीज़ को, और घर में कभी भी चूल्हे के ऊपर खाली बर्तन नहीं रखना चाहिए, जैसे भगोना हो, टोपिया हो, खाली बर्तन नहीं रखना चाहिए। और अब मैं कर रही हूँ प्रेस, शाम के बज गए हैं 5 और बच्चे कुलवंत बोल रहे हैं कि मम्मी मैगी बना लूँ, तो मैगी बनाने के लिए आया है। मेरे को अभी टाइम नहीं है, कुलवंत अपने आप ही मैगी बनाएगा और शगुन बनाएगी, मिल के साथ में दोनों मैगी बना रहे हैं। अभी कैसी मैगी बनाते हैं मैं आपको दिखा रही हूँ। गाइस अभी ये बर्तन चढ़ा दिया, अब मैगी उबालेंगे इधर ये कटोरी में। मैं मेरे लिए अलग है मैगी लिए, मैं पानी चढ़ा दिया, थोड़ा तेल डाल दिया, तो मैं और मेरी दीदी कोल्ड मैगी बना रहे हैं। पहले मेरी उबालेगी, इसकी अलग है मेरी अलग। मैगी सीख चुकी है, ये देखो ये कितनी लंबी मैगी, खा लूँ मैं तो अभी। मेरी मैगी थोड़ी सीख चुकी है, अब इसके अंदर मसाले, प्याज, टमाटर सब कुछ डालेंगे, बाद में इसको हम खाएंगे। अभी तो देखो एक कटोरी पूरी है, जिसमें मसाले वो सब डालेंगे तो पूरी भर जाएगी। सब मैगी बन चुकी है, देखो कितनी टेस्टी लग रही है, टमाटर प्याज सब कुछ डाले हुए, कितनी लंबी लंबी है। और अब ये बन खाने के लिए एकदम तैयार हो चुकी है। तो गाइस, बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, कितने दिन हो गए लगातार बारिश आ रही है। और आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं और फिर मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ।